हरियाणा की सुनेरिया जेल से पेरोल पर आए राम रहीम ने हनीप्रीत का नाम बदल दिया है। बाबा ने कहा है कि बेटी हनीप्रीत अब रूहानी दीदी के नाम से जानी जाएगी। साथ ही उन्होंने गद्दी और गुरु बदलने की चर्चाओं पर भी विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि डेरे के गुरु हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। डेरे पे साथ संगत को संबोधित करते हुए राम रहीम ने दोनों बयान जारी किए हैं। राम रहीम ने कल बरनावा डेरे में दिवाली भी मनाई और लोगों से प्रदूषण का ध्यान रखकर दिवाली मनाने की अपील की है। बता दें कि राम रहीम हरियाणा के सुनेरिया जेल से बागपत के बरनावा आश्रम पे रोल पर आए हुए हैं, जिसके बाद आज उन्होंने आश्रम से ऑनलाइन आकर अपने समर्थकों का संबोधित किया, हनीप्रीत और डेरे की गद्दी को लेकर बयान दिया। राम रहीम ने अपने समर्थकों को ऑनलाइन आकर डेरे की गद्दी बदले जाने की चर्चाओं पर बात की। उन्होंने कहा कि सूत्रों के हवाले से गद्दी बदल जाने की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन गद्दी पर हम हैं, गुरु हम हैं और हम ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि सूत्रों की चर्चाएं पता नहीं कहां से होती हैं। इसके मैं साफ बता दूं कि गुरु नहीं बदले जाएंगे, हम हैं और हम ही रहेंगे। साथ ही उन्होंने हनीप्रीत का नाम बदलने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि हनीप्रीत का नाम अब रूहानी दीदी होगा और वो रूहानी दीदी के नाम से जानी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने डेरे में ऑनलाइन आकर फुलझड़ी जलाकर दिवाली मनाई और लोगों से ज्यादा प्रदूषण न फैलाने की अपील की है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।